एक लास्ट क्वेश्चन, आप आते ही राम की बात किए कि मऊ राम की धरती है, लेकिन राम की धरती पर बीजेपी ने राम के लिए एक भी नहीं काम किया। जो उनके आप नदी देखेंगे तो दुर्दशा में है, वो आज नाला बन गई है। बनदेवी धाम जो माता सीता का आस्था केंद्र माना जाता है, वहाँ एक ईंट भी बीजेपी द्वारा नहीं रखा गया। कहाँ पर? यहाँ जो बनदेवी धाम ने राम की बात किया कि लोग उसका जन्म हुआ, मैं वही कह रहा हूँ, दिखाई नहीं। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, बिहार के राज्यपाल टिकट मिला, उनका हाथी जो है वो श्री गणेश भगवान श्री राम के ही गले में माला पहनाएंगे, जो राम भक्त होंगे उनको ही गला। मंत्री जी, बिहार के राज्यपाल के बेटे को टिकट देके परिवारवाद की शुरुआत बीजेपी कर दी। मुझे लगता है कि परिवारवाद की बात आपको समझना चाहिए, परिवारवाद क्या होता है जी बताएं। और प्रधानमंत्री जी ने इसकी विवेचना अभी हाल के ये इंटरव्यू जो हुआ था उसमें पूरी तरह से पहले भी कहते रहे एनआई में, और उन्होंने स्पष्ट कहा है। और अब मैं कह रहा हूँ, परिवारवाद ये नहीं होता है कि हमारा अगर कोई बेटा अगर हमारा योग्य है, अगर समाज के लिए समर्पित है और वो काम करता है तो वो परिवारवाद नहीं। परिवारवाद ये होता है जो वंशवाद स्थापित करके पूरे साम्राज्य को कब्जा करना, जैसा कि उत्तर प्रदेश में सपा ने, जैसा कि पूरे भारत पर कांग्रेस ने, ये इन लोगों ने जो कब्जा करने की नीयत से, इसको परिवारवाद और वंशवाद कहते हैं। लेकिन कोई मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता का लड़का भाई, कोई राजनीतिक का सिपाही है, काम करता है, राजनीति सोच है, तो ऐसे लोगों को परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। बीजेपी ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी है कि जो टिकट चुनाव लड़ने आते हैं उनको यहाँ के एसपी का नाम तक नहीं पता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, इतने जनपद से अनभिज्ञ हैं, जनता के बीच में नहीं है। आपके चौहान जी हैं, रामविलास चौहान भाई, आपको मालूम होना चाहिए। रामविलास चौहान राज्यपाल के बेटे भी, सुनिए, रामविलास चौहान पहले भी जी अपने पिता के लिए भी और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता होकर चुनाव में उसने काम किया है, उसको हर चीज की जानकारी है। और इस प्रकार का ये जो बवंडर और झूठा प्रचार, दुष्प्रचार, ये सारा दुष्प्रचार बंद हो जाएगा तो मऊ की तो सारी सीटों पर, मऊ की सारी सीटों पर हम विजयी होंगे। तो घोटाला भी तो उन्हीं पे आरोप लगाए, घोटाले का बिहार में घोटाला करने का, कर रहे हैं। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उन पर। किन पर दाखिल हुआ? रामविलास चौहान पे। कौन चीज का? घोटाला करने जाके यहाँ भाई, देखिए इस प्रकार का कोई घोटाला का पर्दाफाश नहीं हुआ, न घोटाले में कोई संलिप्त है। होगा तो न्यायालय कोई भी किसी को भी कार्रवाई कर सकती है। और मेरी जानकारी है कि इस प्रकार की कोई बात है, राष्ट्रपति का पद को पत्र कोई भी भेज सकता है, सब लोकतंत्र में स्वतंत्र है। लेकिन इस प्रकार का किसी प्रकार का पार्टी ने सब कुछ सोच समझ करके किया है, और पार्टी किसी भी गलत छवि को टिकट नहीं देती है, ये पार्टी करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, आप आते ही राम की बात किए कि मऊ राम की धरती है, लेकिन राम की धरती पर बीजेपी ने राम के लिए एक भी नहीं काम किया। जो उनके आप नदी देखेंगे तो दुर्दशा में है, वो आज नाला बन गई है। बनदेवी धाम जो माता सीता का आस्था केंद्र माना जाता है, वहाँ एक ईंट भी बीजेपी द्वारा नहीं रखा गया। कहाँ पर? यहाँ जो आपने राम की बात किया कि लोग उसका जन्म हुआ, मैं वही कह रहा हूँ, ये रामायण सर्किट से जुड़ गया है और फेज वाइज रामायण सर्किट का काम शुरू है। आप अपराधियों के चंगुल से मऊ को मुक्त करिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि मऊ भव्य दिव्य बनेगा, जैसा अयोध्या और वाराणसी बना है, उससे कहीं कम नहीं। हर क्षेत्र में मऊ आगे बढ़ेगा, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। और आप जानते हैं कि 15 करोड़ लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में, हमारा विभाग है, हम जान रहे हैं, देश भर में प्रधानमंत्री जी ने जहां 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम, मुफ्त राशन, वहीं 15 करोड़